गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया है। देख रहे, मेरा पसीने से सारा तिलक फैल गया है। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अब मैं एकदम बनी हूँ त्रिष्टा चाची जैसे तिलक लगा के। खैर कोई नहीं फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ खाना और आज मैं कुछ यूनिक सब्जी बना रही हूँ। कैसे बना रही हूँ बनाने के बाद शेयर कर दूँगी। अभी मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए मेरा ग्रेवी का मटेरियल तैयार हो गया है। पूरा वीडियो देखिएगा। आज की सब्जी मैं थोड़ा सा यूनिक ही बना रही हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। बेसन की सब्जी बना रही हूँ। जैसे घर में कुछ ना रहे ना, तो आप लोग ये बड़ा इजली कान्हा के भूख के लिए बना सकते हैं आप लोग। जो लोग ओनियन और गार्लिक नहीं डाल के बनाते हैं, सही बोला ना, हाँ, लहसुन प्याज बिना अगर आपको सब्जी बनाना है कान्हा के भोग के लिए, तो सब लोग इस सब्जी को ज़रूर बना के एक बार लल्ला को खिलाइएगा। बहुत टेस्टी लगता है। सारा भेजा में वही डालते हैं आइडिया मेरे, दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये हो गया है मेरा पूरा ग्रेवी का मसाला वाला आइटम तैयार। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ पानी। और ये रहा बेसन का, मैंने अभी पेस्ट बनाया। थोड़ा सा बेसन गीला हो गया था, मैं उस पर और बेसन डाल के रखती हूँ। अब इसका मैं पकौड़ा बनाऊँगी, और पकौड़ा मैं तेल में नहीं छानूँगी, डायरेक्ट मैं सब्जी में ही डालूँगी। बहुत टेस्टी बनने वाला है आज का भोग मेरे लल्ला का। क्या बना रही है मम्मा? कढ़ी नहीं है ये, एकदम आलू टमाटर और बेसन की सब्जी है, बिना लहसुन प्याज का। लल्ला का भोग कौन सी सब्जी है? कौन सी सब्जी है? हिंदी वाली सब्जी है, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली नहीं। एक ग्लास पानी दो, पानी दो, बन रहा है ना? नल से? नहीं नहीं, हाँ नल से दो, नल से दो, जल्दी डालें फट से। पूरा फुल? तुम काम कम करती हो, बकवास ज़्यादा करती हो। एक काम बोलेंगे तो उसमें सवाल जवाब इतना पड़ता है ना गाइस इनका, कि इनकी बातें नहीं ख़त्म होती। देखिए इसका ना थोड़ा सा जो ग्रेवी होता है वो आप लोग को ढीला ही रखना है, मतलब थोड़ा सा पानी ज़्यादा करना है, क्योंकि बेसन जब डलता है ना तो वो सोखता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सत्तू डालिए? सत्तू पागल हो गया? सत्तू का पकाओ? सत्तू का नहीं बने। देखिए अभी इसकी थिकनेस कितना है, इतना इतना है ना। अभी मैं इसको थोड़ा सा और पानी डालूँगी। थोड़ा और पानी दो, एक गिलास और दे दो, क्योंकि जब बेसन इसमें पड़ेगा। ये मैंने आलू भी डाला है, देखिए मैंने आलू को बॉयल किया था, तीन चार आलू, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे ही, चार आलू, मीडियम साइज के चार आलू हमने बॉयल करके उसको ऐसे ही हाथ से तोड़ लिया था, और तोड़ के मैंने डाल लिया था ये देखिए। और तीन चार मैंने टमाटर डाले थे, लहसुन प्याज इसमें नहीं पड़ा है। तो आप लोग देखें कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हो रही है। अब इसमें मैं बेसन का ये जो पेस्ट तैयार की हूँ, इसको मैं पकौड़ा उसमें डाल दूंगी, मतलब तेल में नहीं, ऐसे जब ये खोलने लगेगा तो इसी में डाल देंगे, वो खूब अच्छे से फुल फुल के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप सोडा डालना चाहते हैं तो सोडा भी डाल के उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं पकौड़े को, लेकिन मैं सोचूंगी कि ना ही डालूं, देखती हूं, अगर नहीं फुल के आएगा ऊपर तो डालूंगी। वो उसी टाइम डालना है सोडा जब आप सब्जी में पकौड़ा डालने जाते हैं। वो भी दिखाती हूं आप लोगों को। इनका मुंह देख लीजिए, जैसे ऐसे है मेरा मुंह। आज एक्चुअली संडे था ना, तो मैं थोड़ा सा दिमाग में कुछ और अच्छा अच्छा संडे को थोड़ा सा सोचती हूँ कि अच्छा ही बना खा लें भैया, क्योंकि वैसे दिन तो भागम भाग। कल भी छुट्टी? हाँ कल 2 अक्टूबर है फ्रेंड्स, तो कल भी छुट्टी रहेगी। और मेरा बर्थडे आने वाला है, इनका बर्थडे आने वाला है, आप लोग जल्दी जल्दी से सेलिब्रेट कर दीजिएगा और बड़का बड़का इनको गिफ्ट भेज दीजिएगा, राधे राधे लिख कर कमेंट में, वही इनका सबसे प्यारा गिफ्ट होगा। और आप लोगों से कोई गिफ्ट नहीं, बस राधे राधे, मेरा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। हाँ इनका गिफ्ट, इनको ढेर सारा पेंसिल इरेजर जो चोरी करके, और हाँ कैंची काटने के लिए, पेपर, कबाड़ी लाल नहीं, बॉक्स 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 कुछ नहीं। ठीक है, बॉक्स बनाना, मैं बना के, अच्छा देख लीजिए भैया, देख लीजिए उनका बॉक्स आ रही है, बॉक्स की फॉक्स। देखिए बेसन का डब्बा मेरा अभी इधर ही पड़ा है, लग रहा है पानी थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, क्योंकि और पतला कर दें इसकी हम ग्रेवी को। ये बॉक्स मैंने खुद से बनाया है विद कार्डबोर्ड, देखिए ऐसे कार्डबोर्ड दिख रहा है। मम्मा क्या धक्का दे रही हूँ,
ताकि तुम गिर जाओ। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये गाड़ी, ये कबाड़ी लाल ना यही सब काम करती हैं। मतलब कि सारा घर का कबाड़ बिन बिन कौन पता है किसको, तो सारा घर का ना कबाड़ बिन बिन के ये इकट्ठा करेंगी, उसके बाद ले जाके उसका सब कुछ ना कुछ बनाएंगी। और सारा तुम ब्लैक वाला पेपर जो पीवू दी थी उसको काट काट के तुम कतरन बना डाली हो ना। तुम्हें कोई अच्छी चीज़ देने लायक है क्या? तुम्हें कुछ ना मिले, तुम्हें बस अच्छी चीज एक ही है, थप्पड़ थप्पड़ लगाते जाओ मुंह पे तुम्हारे। जैसे हम बॉक्स खरीद लिए। हाँ ठीक है, दिखा दो अपना बॉक्स बनाई हो जो। गिर गया सामान, सब गिर गया सामान, अब नहीं दिखाएंगे। अच्छा दिखा रहे, दिखा रहे। तो गाइज मैं बता देती हूँ, जैसे आप नॉर्मल सब्जी की ग्रेवी तैयार करते हैं, मैं भी सेम वैसे ही नॉर्मल सब्जी की ग्रेवी तैयार कर दी थी। और उसके बाद मैंने 3-4 टमाटर को प्यूरेट बना लिया था उसका, और 3-4 आलू मीडियम साइज़ के 3-4 आलू हमने बॉयल किया था, उसको हाथ से इसे फोड़ लिया था एक सेकेंड। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेसन लेके, उसमें जो आप पकौड़ा बनाते हैं बेसन का, तो जो जो उसमें डालती हैं आप लोग नॉर्मल डाल लीजिए, जो आपको पसंद हो, जैसा आपको टेस्ट लगे। तो हम तो अपना सब कुछ तैयार रखते हैं, डाल लेते हैं। और फिर हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, हम टमाटर इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी कर देते हैं कि उसकी प्यूरी थोड़ा हमको ज़्यादा पड़ता है, तो उसका ग्रेवी थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। मसाला, धनिया पाउडर, ये सब जो भी आप डालिए, हम लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते, बाकी जैसे नॉर्मल सब्जी बनती है सूरन की ग्रेवी वैसे बनाइए। और देखिए उसका बॉयल आ गया सब्जी में, ये देख सकते हैं आप लोग, अब ये सब्जी में बॉयल आ गया। अब जब इसमें बॉयल आ जाता है खूब अच्छे से मसाला वसाला भुनने के बाद, आलू हम डाल दिए हैं, तो जब इसमें बॉयल आ जाता है ना, तो अब इसी में ये पकौड़े मुझे छानने हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, अगर पकौड़ा ऊपर नहीं आता है तब मैं इसमें सोडा डालूँगी, अगर मेरे फेंटने से पकौड़ा ऊपर आ जाता है, इतना हम फेंट दिए हैं तो नहीं डालूँगी, क्योंकि सोडा हम चाहते हैं ना ही पड़े तो सही है। तो इसका जो वो है ना, जैसे आप नॉर्मल कढ़ी वाली पकौड़ियाँ बनाती हैं, सेम वही वाला इसकी थिकनेस को रखना है। मम्मा टांग दो लेके, टांग दो लेके डालने जा रही हूँ, आप लोग को दिखा भी रही हूँ, ठीक है? मम्मा डाल दो लेके, अभी मैं इसको फेंट लूँ और अच्छे से। लास्ट टाइम में देखिए, अब ये सब्जी जो है ना मेरी, वो खूब अच्छे से बॉयल हो रही है, अब इसी में इसको डाल देना है। ये डिस्टर्ब नहीं करो, बनाने दो। हाँ बॉक्स देख लीजिए इनका, दिखा दो, दिख रहा है सबको। पास कर कैमरा, पास है ये कैमरा, देख लीजिए गाइस। अब देखिए गाइस, मैं इसमें ये पकौड़े जो है ऐसा डालूंगी, अगर ये ऊपर आएगा तब तो मैं नहीं इसमें वो करूंगी, नहीं तो मैं इसमें सोडा डालूंगी। तो गाइस हमको लग रहा है सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पहली बार बना रही हूँ तो डर भी है ना कहीं मेरी सब्जी ख़राब ना बन जाए। तो नहीं गाइस, ऊपर आ गया है, ऊपर आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं सोडा डालूं, है ना। तो मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ, और फेंट के फिर मैं जब इसमें डाल दूंगी ना, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे ये तुरंत ऊपर आ गया है पकौड़ा मेरा, सब छन छन के ऊपर अपने आप। इसको तेल में नहीं फ्राई करना है, ठीक है? देखते हैं फर्स्ट टाइम कैसा, क्या मुझे धक्का देती है, देख लीजिए इनका सब कूड़ा कचड़ा घर का ले जाके बनाई है कबाड़ी लाल की तरफ, दिखा रहे हैं। देख रहे हैं सब लोग, बोल दीजिए भैया आप लोग इनके लिए भी कि हाँ हम आपका देख रहे हैं, बहुत अच्छा बनाई है चिया, इसको कमेंट करके बता दीजिएगा इनके बॉक्स के बारे में। तो ये मैं सारा इसमें डाल दे रही हूँ। हे कान्हा, अच्छा भोग बने आज का, एकदम यूनिक सब्जी बना रही हूँ, देखते हैं। इस सब्जी का नाम है ग्रेवी वाली बिना लहसुन प्याज का आलू टमाटर और बेसन की सब्जी, और हमें कुछ नहीं पता इसका नाम क्या है, हम कोई सेफ थोड़ी नहीं है जो जाने इसका नाम, हम कोई कुक का ब्लॉग थोड़ी नहीं करते हैं। मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत अपना जो एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ उसी में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कान्हा को आप लोग कैसे कैसे भोग बना के खिला सकते हैं, खिला सकते हैं। देखिए मैं इसको ना सब इसी कढ़ाई में डालती जा रही हूँ, और सब फूल फूल के ऊपर आ रहा है, गपा गप एकदम गप। हेलो
राधे कृष्ण राधे दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो गाइज ये देख सकते हैं मैंने बेसन को ऐसे ही ना सब्जी में पकौड़ा पकौड़ा सा खोल दिया। मुझे उतना क्लियर नहीं आता है बनाने पकौड़ी, मेरा हाथ टेढ़ा मेढ़ा, लड्डू भी नहीं बना पाते। देखिए देखिए ऐसे ऐसे ये आ गया इसमें। अब खाने में कैसा लगेगा ये मैं खाने के भोग लगा के कान्हा को फिर मैं खिलाऊंगी, खाऊंगी तब बताऊंगी। आई होप अच्छा ही बना होगा। एक्चुअली मुझे बनाना था खड़ना, क्या कहते हैं उसको, जो बेसन का नहीं उसको बना के उसका ग्रेवी टाइप का, फिर उसको थाली में जमा के बर्फ़ी कटिंग करके। तो मुझे लगा नहीं कुछ यूनिक करते हैं, आज मैंने यूनिक कर दिया। देखिए सारे पकौड़े ऊपर आ गए अपने आप, मैंने सोडा नहीं डाला था। अच्छा है, बिना सोडा के ही सब ऊपर आ गए। वाह, अब खाने में क्या है कैसे है ये सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में पता चलेगी। बने रहिए आगे वीडियो में। और मैं अभी चल रही हूँ आटे का डोक तैयार करने, फिर आप लोगों को बताऊँगी कैसा रहा भोग लगाने के बाद। लल्ला का भोग आज बहुत ही यूनिक बना है, बिना लहसुन प्याज का। आप लोग भी खाइएगा और बताइएगा, मतलब आप लोग भी देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। खा के तो हम बताएंगे कैसा लगा। देखिए आप लोग कितना अच्छा यूनिक टाइप यूनिक रेसिपी हमने बना दिया। हमें ये सब ना कान्हा ही करवाते हैं मेरे से, मेरे को इतना नहीं आता कुकिंग सुकिंग। हाँ मुझे जो समझ में आता है, और जैसे सब मोदक टाइप का एकदम मोदक वाले मॉडल में सारे पकौड़े बन गए। चलिए उनको मोदक खाने का मन रहा होगा इसीलिए करवा लिए लल्ला अपना व्यवस्था। तो हमको लग रहा है ना कि इसमें नमक हम कम डाले हैं, खैर छोड़िए बाद में उसको जब हम निकालेंगे तब डाल देंगे। अभी मैं इसको ढक देती हूँ, ये धीमी आंच में अपना धीरे 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 पकेगा। मैं तब तक आटे का डोक तैयार कर लेती हूँ। बड़े रहिए आगे ब्लॉग में, दिखाएंगे भोग लगाने के बाद, उसके बाद टेस्ट करके भी बताएंगे कैसा लगा। क्या देखिए इतनी ये लालची है टमाटर का, जब मैं प्यूरी तैयार करने जा रही थी तो देखिए टमाटर कच्चा टमाटर खाती हैं। कहीं एक टमाटर लेके हम क्या नहीं देंगे, लल्ला को भोग लगता है तो जूठा हो जाएगा। तो गई फ्रिज में से एक टमाटर निकाल के, ये देखिए तुलसी पत्ता डाल के लल्ला को केवल टमाटर खिला के और उसके बाद भोग अपना लगाने जा रही हैं। आने दो ना काट दो, दिखाओ फिर से ऐसे करो, पागल है ये लड़की। तो गाइस फाइनली सब्जी बन के हो गया तैयार और मैं जा रही हूँ लल्ला को भोग लगाने। फटाफट से मैं पहले थाली लगा देती हूँ लल्ला का। राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे। दिखा रही हूँ आप लोगों को ये रही सब्जी। अब मैं ये लल्ला के लिए निकाल लेंगे सब्जी। राधे कृष्णा राधे 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 श्याम राधे। ये आ गया है दालचीनी, इसको मैं निकाल देती हूँ। राधे 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 कृष्णा राधे राधे राधे। ग्रेवी कम देंगे हम अपने बाबू को ताकि अच्छे से खा लें। राधे श्याम हो गया। अब मैं चावल भी देती हूँ ना, चावल रोटी सब्जी एंड माखन मिश्री का भोग लगायो। राधे कृष्णा राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्णा राधे 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 हरे राधे श्याम राधे राधे। बिना वृंदा के बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग नहीं कंप्लीट होता ना फ्रेंड्स। एक स्पून क्या हो गया बाबा धुल्ले। राधे कृष्णा राधे थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें घी,
राधे राधे, अरे राधे श्याम राधे। ये देखिए घी का डब्बा है मेरे ठाकुर जी का। राधे राधे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण। चिया लगा दी टेबल। ये हो गया उनकी ग्लास में पानी। अब दिखाते हैं थाली हो गई है तैयार लल्ला की। ये देखिए गाइस, चावल रोटी सब्जी एंड पानी। अब एक चीज की कमी लग रही है ना यहाँ पे, वो भी आ गया। ये कंप्लीट थाली, कंप्लीट एकदम कंप्लीट हो गई थाली लल्ला की। अब मैं चल रही हूँ इसका भोग लगाऊंगी, है ना। चिया लगा दी, चलो। टेस्टी है जो भी है, देखने में ही लग रहा है टेस्ट, मतलब कलर सब्जी का अच्छा। लाइट जलाओ। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण श्री राधे। सही हो जाएगा, तुम लल्ला को ले आओ। थैंक यू, ले आना लल्ला का। अच्छा चलो, तुम्हारी ये आदत बड़ी गंदी है, चलो ले आओ। तो ले आओ लल्ला को। श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बैठाओ। आज गाइस ये ना लल्ला का श्रृंगार की है, अब जैसे तैसे ये कर देती हैं, लल्ला उसी में खुश रहते हैं। देखिएगा बाल बाल सब उल्टा सीधा कर देती हैं ये दीदी ना, दीदी ना, दीदी हैं। श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बोलो श्री राधे। तो अब हम लल्ला को जल्दी जल्दी भोग, आप खिलाओगे ना, खिलाओगी ना, खिलाओगी कम खिलाए, कैसे मुँह ताक रही कौआ जैसा, बोलो चिया। हम खिलाएं, जाओ जल्दी तुम पहले, लो कैमरा पकड़ो फिर हम खिलाएं। नहीं तुम इधर आ जाओ, क्योंकि मम्मा ने बहुत कमाल का उसमें कुछ दवाई डाल दिया है ना। दवाई की नया यूनिक रेसिपी बनाया है। नहीं मम्मा, दवाई डालनी हो ना। अरे वो क्या है, बेसन, बेसन वो दवा है, बेसन। हाँ तो उसी से तो सारा बना है। तो गाइस बेसन एक दवा होता है, आप लोग भी उसको जान लीजिए। टेस्टी लग रहा है ना, टेस्टी लग रहा है ना। बात खत्म। ये दीदी आपकी पगली है, कुछ भी भक्ति रहती है। ये दीदी पागल है, पागल है, पागल है। लल्ला बोल रहे हैं हम नहीं, लेकिन बोल कौन रहा है असल में। लल्ला बुलवा रहे हैं उसे, बोल दो दीदी को भैया। राधे कृष्ण, नकु नकु नहीं लगाते हैं।
अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके मोबिल लेते, मोबिल के वो खाना खाते, नामू नामू गपगप खाते नामू नामू गपगप करते, नाम नाम गपगप। मम्मा फिर से करो ब्रश वाला, फिर से करो ब्रश वाला। अच्छे बच्चे जल्दी उठते, जल्दी उठकर ब्रशू करते, ब्रशू करके कुल्ला करते, कुल्ला करके जल्दी से नम नम गपगप खाना खाते है ना है ना है ना है ना। अब खाएंगे लल्ला देवी, राधे कृष्णा राधे राधे राधे। कप्पा है कपड़ा, वही कपड़ा पे सारा अपने कप्पा पे गिरा देते हैं राजा भाभी। गाइस हमने भूख लगा लिया है, अब हम भी जा रहे हैं भूख को पाने। बड़ी तेज से भूख भी लगी है, मोबाइल भी डिस्चार्ज है। मैं चार्जिंग लगा के भूख पा के फिर आप लोगों को बता दूँ कैसा था मेरा यूनिक सब्जी तो हमने फाइनली सब्जी खाया, बहुत टेस्टी था, एकदम यम्मी फंटू क्लास है ना, टेस्टी था। ये भी खाओ जल्दी, टेस्टी था गाइस। लेकिन जानते हैं सिर्फ सोडे का जो हम नहीं ऐड किए उसमें सोडा, वो हमने गलत किया। हमको उस पकौड़े वाले बेसन में सोडा ऐड कर देना चाहिए था, तो थोड़ा सा उसका जो पकौड़ा था वो पानी में ऊपर तो आ गया था लेकिन हार्ड था। अगर यही मैं सोडा डाल देती तो खूब सॉफ्ट होता। नेक्स्ट टाइम मैं सोडा डाल के बनाऊँगी तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों को। लेकिन अभी जो उसका टेस्ट था सब्जी का, वाकई बहुत लाजवाब फंटू क्लास। और लल्ला का भोग तो ख़राब हो ही नहीं सकता, एकदम मस्त बना था। अच्छा लगा चिया, आओ लेकर खाना। खा रही हैं अभी, इनका थोड़ा सा बचा है, दिखाओ कितना बचा है, कैसा है ये, क्या तुम सच बोलो? अरे सच में पकौड़ी अच्छी नहीं है, इनका मुंह अच्छा नहीं है इसीलिए पकौड़ी अच्छा नहीं है। बात करती हैं, पकौड़ी थोड़ा सा मैंने बोला ना सोडा नहीं डालने की वजह से हार्ड हो गया था, बाकी बना था एकदम फंटू क्लास। बाकी सब्जी अच्छी थी, बाकी ग्रेवी अच्छा था, उसका सब्जी का टेस्ट अच्छा था। तो तुमको ये बोलना चाहिए था ना, जो हम बोल रहे वही बात है ना, तुम तो सारे मेहनत पे मिट्टी डाल दी, धोखेबाज लड़की। अपसेट नहीं जाएगा, इतना अच्छा बना, इतना अच्छा खाने में टेस्टी था, इतना लल्ला भी मन से खाए। और उसके बाद बस पकौड़ी, हमने बोला ना सोडा नहीं डालने को, जो थोड़ा सा हार्ड हो गया था। लेकिन अरे मम्मी तीन बार बोल चुकी है, तब भी तो तुम बेइज्जती करा देती हो मेरा नाई बोलो कैसा था? अच्छा। ये लड़की पागल है, इसको बाहर की चीजें अच्छी लगती हैं, सड़ी वाली चीजें। अच्छा सही से खाओ, ऐसे नहीं दिखाओ, मुझे गंदा लगता है। ठीक है इस, तो मज़ा आ गया खा के। और आप लोग भी इसको अगर बनाइएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए। मैंने व्हाट्सएप पे भी अपना वो बना लिया है, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग कैसे फॉलो करेंगे हमें तो यही नहीं पता है।
तो अभी आज का आप लोग ब्लॉग देख के मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे, बाय बाय, राधे राधे।